नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानें देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का ठिकाना राष्ट्रपति भवन के बारे में। राष्ट्रपति भवन का कुल क्षेत्रफल 330 एकड़ है, जिसमें से 5 एकड़ में भवन का निर्माण है, बाकी हिस्सों में गार्डन व अन्य है। राष्ट्रपति भवन में कुल 37 आलीशान इमारत हैं, जिसमें फव्वारे भी लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त 340 कमरे भी हैं, जिसका उपयोग कर्मचारियों व अन्य के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति भवन में कुल कर्मचारियों की संख्या 750 है। इस आलीशान भवन के निर्माण के लिए शुरुआत में 4 लाख पाउंड की राशि को मंजूरी दी गई। इसका निर्माण 1912 में शुरू हुआ और 1929 में बनकर तैयार हो गया। तब तक इसकी निर्माण लागत 8.7 लाख पाउंड हो चुकी थी। उस वक्त यह राशि 1.28 करोड़ रुपए के बराबर थी। मुगल गार्डन व स्टॉक क्वार्टर को मिलाकर यह राशि तकरीबन 1.4 करोड़ रुपए हो गई थी। भवन निर्माण का जिम्मा ब्रिटिश शिल्पकार एडविन लैंडसी लुटियंस को दिया गया। उनकी शैली में रोमन वास्तु की छाप थी, साथ ही इसमें भारतीय शैली की भी झलक मिलती है। लिहाजा भवन छतरी जाली जैसे आकृतियों का इस्तेमाल किया गया। खंभों में कर्नाटक के एक जैन मंदिर की तर्ज पर घंटे बनाए गए। यह भवन औपनिवेशिक केंद्र से लोकतांत्रिक प्रतीक के रूप में 26 जनवरी 1950 में तब्दील हुआ। इसका निर्माण वायसराय हाउस से राष्ट्रपति भवन रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें कदम रखने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने। इमारत में मौजूद 340 कमरों 4 तलों में फैले हुए हैं। इसका फ्लोर एरिया करीब 2 लाख वर्ग फुट है। राष्ट्रपति भवन का निर्माण 70 करोड़ ईंट और 30 लाख घन फुट पत्थरों से बना हुआ है। इस इमारत की सबसे खास बात यह है कि इस भवन में स्टील का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन 15 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है। इस बगीचे में 250 किस्म के गुलाब हैं। यह खासियत इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन रोज गार्डन बनाती है। आम लोगों के लिए यह फरवरी मार्च में खुलता है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए अश्वारोहियों का एक टुकड़ी राष्ट्रपति के अंगरक्षक के तौर पर हमेशा तैनात रहते हैं। यह भारतीय सेना की विशिष्ट और सबसे पुरानी अश्वारोही टुकड़ी है, जिस पर राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा है। 1773 में इसका गठन गवर्नर वारन हेस्टिंग ने बनारस में किया था। राष्ट्रपति की सुरक्षा के साथ यह इकाई उनके संबंधित समारोहों में भी अहम भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति के प्रवास के लिए 2 प्रवास स्थल बनाए गए हैं। एक शिमला के मसोबरा में मौजूद है और दूसरा हैदराबाद के बोलारम में। 2 महीने पहले रामनाथ कोविंद शिमला गए थे। वहां उन्हें मसोबरा में स्थित रिट्रीट बिल्डिंग में जाने नहीं दिया गया। शिमला में मौजूदा प्रवास स्थल लकड़ियों का बना हुआ है। यह मसोबरा की पहाड़ियों के शीर्ष पर है। वहीं हैदराबाद का प्रवास स्थल 1860 में पुरानी इमारत है। इसमें 11 कमरे मौजूद हैं। यह इमारत आज़ादी के बाद निजाम से ली गई थी। हमारे देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का यह राष्ट्रपति भवन अब नया ठिकाना होगा।